तो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे कुछ इस टाइप की एडिटिंग, डबल पर्सनैलिटी वाली एडिटिंग। आप देख सकते हैं पिक्चर, वो बहुत ही अमेजिंग है, वो यहाँ पर लग रही है। तो चलिए इसका ट्यूटोरियल है वो भी स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे पोज की। तो पोज आपको इसके लिए मतलब दो क्लिक करा लेना है। एक पोज तो आपको सिंपली ऐसे खड़ा हो जाना है और आपको जो हैंड है वो इस मतलब पोजिशन में आपको रख लेना है और आँखें आपको मतलब अपने हाथ के ऊपर रखनी है। और देन दूसरा पोज है, तो ये भी बहुत ही सिंपल पोज है। आपको मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपको मतलब ऐसे है वो देख लेना है, ठीक है। तो देन बात करें बैकग्राउंड की, तो खास मैंने इसके लिए बना के रखा है। मैं जो भी बैकग्राउंड और पीएनजी यूज़ करूँगा उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो इसको यहाँ से शेयर करके ओपन कर लेंगे पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड आ चुका है, यहाँ से हमारे मतलब ऐड कर लेंगे और हमारे दोनों यहाँ से जो पीएनजी है इसको कर लेंगे ऐड। तो मैंने इसका बैकग्राउंड इरेज करके रखा है, आपको भी इसका बैकग्राउंड है वो इरेज है वो करके रख लेना है। तो अब इसको यहाँ से कर लेंगे, इसकी पोजीशन को करेंगे एडजस्ट। तो इसको मैं यहाँ पे वो लगा लूँगा, ठीक है। देन दूसरी है, तो इसको भी हम यहाँ पे वो लगा लेंगे। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको मतलब आपको जो हाथ है वो जहाँ पर ख़त्म हो रहा है ना, इसको मतलब वहीं पर मतलब एकदम एडजस्ट है वो ऐसे कर लेना है, ताकि एक ऐसा फील आएगा ताकि हम इसको टच करने की वो कोशिश करें, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा। तो अब यहाँ से डालेंगे कपड़ों के अंदर डार्कनेस, तो इसको ऊपर करेंगे क्लिक कैंसिलिंग इफेक्ट्स के अंदर, और सबसे लास्ट कलर्स के ऊपर यहाँ से करेंगे क्लिक, और यहाँ पर ब्राइटनेस के ऊपर करेंगे टैप, और यहाँ से इसको अराउंड 70 के करीब हम इसको है वो दे देंगे, ठीक है। तो देन यहाँ से करेंगे इरेजर के ऊपर क्लिक, और इसको फेस और हैंड से कर लेंगे रिमूव। तो यहाँ पर कर लिया डन, यहाँ पर भी डन, और इसी तरह ये दूसरी भी, इसको भी हम डालेंगे डार्कनेस, यहाँ से चलेंगे इफेक्ट्स अगेन कलर और ब्राइटनेस, और यहाँ से भी अराउंड 70, और यहाँ से अगेन करेंगे इरेजर के ऊपर क्लिक, और इसको भी फेस हैंड से कर लेंगे रिमूव, ठीक है। तो इस टाइप से कर लेना है, यहाँ से कर लेंगे डन, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, ये जो दूसरी वाली पीएनजी है ना, तो इसके यहाँ से हमको करनी है ओपेसिटी कम करनी है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले इसकी पोजिशन को यहाँ से कर लेते हैं एडजस्ट, तो यहाँ पर इसको रख लेंगे, ठीक है, यहाँ पर रख लेंगे। देन इसके ओपेसिटी को यहाँ से करेंगे कम, अराउंड 50% मैं यहाँ पर रख लूँगा। और देन यहाँ पे इसको क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा पीछे है वो ले लेता हूँ। तो आपको भी सिंपली एकदम है वो ध्यान से आपको ऐसे एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, ताकि कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ही सही है वो यहाँ पे लग रहा है, आप चाहे तो ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ से इसको कर लेंगे डन। तो अब यहाँ से करेंगे ऐड फोटो के ऊपर क्लिक, और यहाँ से दो पी एन जी को कर लेना है ऐड। फिर क्रैक के पी एन जी, इसको ब्लेंड से दे देंगे मल्टीप्लाई, और इसको भी ब्लेंड से दे देंगे यहाँ से मल्टीप्लाई। और देन इसको एक पीएनजी को यहाँ पे है वो लेके जाएंगे, और इसको अपने नेक के ऊपर है वो यहाँ पे है वो लगा लेंगे। ऐसे इसकी ओपेसिटी को करेंगे कम, तो मैं इसको अराउंड 50% है वो कर लूँगा। और देन ये जो दूसरी पीएनजी है, इसको भी हम हमारे फेस के ऊपर है वो यहाँ पे लेके आ जाएंगे, तो इसको भी है वो यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे, और इसकी भी यहाँ से ओपेसिटी को करेंगे अराउंड 50%, ठीक है। डन, अगेन करेंगे ऐड फोटो के ऊपर क्लिक, तो यहाँ से करेंगे ऐड फोटो के ऊपर क्लिक, और यहाँ से ये तीन पी एन जी को कर लेंगे ऐड। तो सबसे पहले ये जो हेयर पी एन जी, तो मैंने खास इसी के लिए बना के रखा है, तो इसको यहाँ से कर लेंगे एडजस्ट। तो आप चाहे तो आप भी इसको है वो यूज़ में लेके मतलब आप देख लीजिएगा, अगर आपके मन सूट हो तो आप इसको डाउनलोड है वो कर लेना। तो इसको मैं यहाँ पे एडजस्ट है वो कर लेता हूँ, और इसको हाथ पोर्शन को यहाँ से सिंपली कर लेंगे, ठीक है। तो ये मतलब बहुत ही सेम। तो अभी ये वाली जो पी एन जी है, तो इसको यहाँ से करेंगे सेलेक्ट, और इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको कर लेता हूँ सेलेक्ट, और यहाँ से ब्रांड से इसको दे देंगे स्क्रीन। इसको अब यहाँ से करेंगे जूम, ठीक है। इसको ये जो नीचे से आपको ऐसे ऊपर करना है, नीचे से ऐसे ऊपर करेंगे, और देन इसको अपने मतलब सर के ऊपर कर लेंगे एडजस्ट। तो इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एडजस्ट। यहाँ पे करने के बाद सिंपली इसके ऊपर करेंगे वापस से टैप, और इसके ओपेसिटी को यहाँ से करेंगे हल्का सा कम, और मैं इसको हल्का सा वापस से ऐसे सीधा इसको कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे मतलब ये बहुत अच्छे लग रहा है, ठीक है। तो देन ये दूसरी पीएनजी है, तो इसको भी हम यहाँ पे है वो ले के आ जाते हैं। तो अब इस वाली पीएनजी को हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे वो लगा देंगे, ठीक है, अपने हाथ दिख रहा है यहाँ पे लगाएंगे। तो इसको यहाँ से कर लेंगे छोटा, और इसको यहाँ पे वो एकदम एडजस्ट है वो कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही यहाँ पर सही लग रहा है, और यहाँ से कर लेंगे डन, ठीक है। अगेन करेंगे ऐड फोटो के ऊपर क्लिक, और यहाँ से दोनों पीएनजी को कर लेंगे ऐड। तो सबसे पहले ग्रास की पीएनजी को यहाँ पे वो लगा लेंगे, और इसको यहाँ से ब्लेंडिंग मोड से दे देंगे स्क्रीन, और इसको हल्का सा यहाँ से बड़ा करेंगे। तो इसको हल्का सा एडजस्ट करेंगे सबसे पहले, और यहाँ से इसको कर लेंगे बड़ा, ताकि हमको शेडोज भी है वो बनाने की मतलब ज़रूरत है वो नहीं पड़ेगी। कॉन्टेक्स्ट पीएनजी है, तो इसको भी यहाँ से ब्लेंड से दे देंगे स्क्रीन, और इसको हम है वो यहाँ पे है वो लगा लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको क्रास के ऊपर है वो इसको एडजस्ट है वो कर लूँगा, ठीक है, बहुत ही सही डन।
तो अब हम इसमें डालेंगे इफेक्ट्स। तो इफेक्ट्स डालने के साथ से चलेंगे एफएक्स के अंदर, ऐसे लेंगे प्रीमियम फिल्टर के ऊपर। तो ये आपको प्रीमियम पिक्सआर्ट के अंदर मिल जाएगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल से डाउनलोड कर लेना। ऐसे एम वी फोर के इफेक्ट को देंगे एम वी फोर इफेक्ट यहाँ से अराउंड 50% डन, और यहाँ से मिल वन इसके भी फेड को यहाँ से देंगे 50% ऐसे कर लेंगे डन। ठीक है, तो सिंपली ऐसे कर लेंगे डन। तो अब आपने जो थंबनेल में पिक्चर देखी थी, अब आप जो पिक्चर उसमें बोलो बहुत ही डिफरेंस है कि इसमें कलर करेक्शन है, तो वो करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो इस पिक्चर को यहाँ से कर लेते हैं सेव, तो यहाँ से ड्रॉ से कर लेंगे सेव इमेज। तो अब यहाँ से जल्दी जल्दी इंपोर्ट कर लेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो आप देख सकते हैं हमारी पिक्चर यहाँ पे है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट है, वो हो चुकी है। तो यहाँ से चलेंगे लाइट के ऊपर, सबसे पहले ऐसे लेंगे लाइट्स के ऊपर, एक्सपोजर को हम यहाँ से बढ़ा देंगे हल्का सा, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा अराउंड 15 के करीब हम इसमें वो बढ़ा लेंगे, हाईलाइट इसमें करेंगे कम अराउंड 10-12, और शेडोज़ को हम इसमें वो बढ़ा लेंगे, और वाइट्स को हमेशा की तरह बढ़ाएंगे, ब्लैक्स को करेंगे कम। देन चलेंगे कलर टूल के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से लेंगे कलर टूल के ऊपर, यहाँ से टैम को करेंगे डिक्रीज हल्का सा, टिन को हल्का सा है वो बढ़ा लेंगे, वाइब्रेंस को यहाँ पे है वो बढ़ाएंगे, सेचुरेशन थोड़ा सा मैं और बढ़ा दूंगा, और यहाँ से सेचुरेशन को करेंगे कम। ठीक है, देन ऊपर जो मिक्स टूल दिख रहा है वहाँ पे करेंगे टैप। तो यहाँ से ये जो रेड कलर है इसकी ह्यू को करेंगे कम और ज़्यादा करके देख लेते हैं, यहाँ से ज़्यादा सेचुरेशन कम ल्यूमिनेंस को बढ़ा लेंगे। तो हल्के से मैं इसकी सेचुरेशन है वो और कम कर लूँगा, और ल्यूमिनेंस को हल्का सा और बढ़ा देंगे, और ह्यू को भी हल्का सा बढ़ा लेंगे। ठीक है, देन ऐसे चलेंगे ऑरेंज टूल के ऊपर, इसकी सेचुरेशन कम ल्यूमिनेंस को बढ़ा लेंगे। देन येलो कलर इसके भी सेचुरेशन सबसे पहले ह्यू को देख लेते, तो इसकी ह्यू को हम यहाँ से करेंगे डिक्रीज, सेचुरेशन कम ल्यूमिनेंस को बढ़ा लेंगे। देन लाइट ब्लू के ऊपर यहाँ से करेंगे टैप, और इसके भी ह्यू हल्के से कम सेचुरेशन कम ल्यूमिनेंस बढ़ा देंगे। देन डार्क ब्लू इसके भी ह्यू कम सेचुरेशन कम ल्यूमिनेंस को बढ़ा लेंगे, ऐसे कर लेंगे डन। देन क्लैरिटी टूल, तो यहाँ से आपको क्लैरिटी को है वो दे देना है, और डीएच को हम हल्का सा इसमें बढ़ाएंगे, तो इसमें हल्का सा अराउंड 4-5, और देन बिगनेट को यहाँ पे करेंगे कम। तो इतना कम आपको नहीं करना है, हल्का सा कम करेंगे अराउंड 10-15 अपने पिक्चर के हिसाब से, तो यहाँ पे इसको कर लेंगे। देन यहाँ से लेंगे शार्पनिंग टूल, यहाँ से शार्पनिंग को दे देंगे, और डिटेल को भी दे देना है, और नॉइस रिडक्शन अराउंड 20। देन यहाँ से चलेंगे वापस इसमें, और यहाँ से चलेंगे स्प्लिट टोन। ठीक है, ये बहुत ही मेन है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो पिंक कलर है इसको चूज कर लेंगे। ठीक है, इसको यहाँ पे रखेंगे नीचे इस टाइप से। देन शेडोज को भी आपको वापस वही कलर को है वो चूज कर लेना। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसके सेचुरेशन करूँगा डिक्रीज। ठीक है, तो यहाँ से नीचे करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगी, तो मैं इसको हल्का हल्का वापस ऊपर है वो ले आता हूँ, तो यहाँ से इसको अराउंड 10 तक रखेंगे। शेडोज को भी उतने अराउंड 10 तक यहाँ पे वो रख लेंगे, और बैलेंस को आप अपनी मर्जी से कहीं पे भी वो सेट कर सकते हैं आपको जहाँ पे अच्छा लगे। तो मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लूँगा डन। देन ऐसे लेंगे सेलेक्टेड टूल के ऊपर, यहाँ से करेंगे ऐड, और यहाँ से बॉक्स दिख रहा है ग्रेडियंट, इसको चूज कर लेंगे। तो ये भी आपको प्रीमियम लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा, गूगल से डाउनलोड कर लेना। तो इसको यहाँ से नीचे से इस टाइप से आपको ऐसे ड्रॉ कर लेना। ठीक है, देन यहाँ पे करने के बाद सिंपली चलेंगे लाइट टूल के ऊपर, इसके एक्सपोजर को ऐसे करेंगे डिक्रीज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके एक्सपोजर को ऐसे करना है डिक्रीज, अगेन करेंगे ऐड, और अब की बार आपको ब्रश सेलेक्ट करना है। ठीक है, जूम कर लेता हूँ, ऐसे आपको करना है ब्रश, और इसको अपने कपड़ों के ऊपर इस टाइप से पेंट कर लेना है। ठीक है, तो आप सिंपली रफली है वो आप इस टाइप से है वो कर लेना। तो यहाँ पे करने के बाद सिंपली यहाँ से चलेंगे क्लैरिटी टूल के ऊपर, यहाँ से क्लैरिटी को दे देंगे, तो इसको मैं अराउंड 40 के करीब दे दूंगा, तो इससे कपड़ों के अंदर आ जाएगी चमक डन। तो बस यार हमारी पिक्चर यहाँ पे फाइनली है वो टोटल एकदम कलर करेक्शन के साथ अमेजिंग बन चुकी है। आप देख लीजिए मतलब पिक्सआर्ट के अंदर पिक्चर वो कैसे थी नॉन कलराइज, और अब आप देख सकते हैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो यार आप देख सकते हैं पिक्चर वो बहुत ही अमेजिंग है वो यहाँ पे लग रही है। तो वीडियो और पिक्चर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से प्रेस करिएगा। तो तब तक के लिए आप स्टे हैप्पी स्टे।